नहीं, क्या करूं मैं? सोनिया भाभी, सोनिया तेरा पैकिंग हो गया? हाँ मॉम, 3 दिन के बाद फाइनली मेरा पैकिंग हो गया। सोनिया भाभी, आपको थाला थामान भरने में 3 दिन लगे, तो इतना सब थामान भरने के लिए बैग कितने लगे? 8 सूटकेस और 5 हैंडबैग बस। तेरा लगेज? हाँ मॉम, मेरा लगेज। ओ सोनिया, मैं तेरा मेरा वाला तेरा नहीं बोल रही हूँ, 12 तेरा वाला तेरा बोल रही हूँ। हाँ वो तो मॉम ऐसे बोलो ना। आप लंदन डाल है, उससे अच्छा है लोहित भैया को वापस बुला लीजिए ना। नहीं कन्हैया लाल, ऐसा नहीं हो सकता। बट डोंट वरी, हम लोग आते जाते रहेंगे, पर अभी मेरा लंदन जाना बहुत जरूरी है, यू नो। और कन्हैया लाल, ये सुबह सुबह मही और सागर कहाँ चले गए? सुनिए सागर जी, देखिए मेरी बात पूरी करने दीजिए मुझे। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सारी गलती सिर्फ मेरी नहीं है सागर जी, सारे प्रॉब्लम की जड़ है आपकी चाबी भूल जाना। दुनिया का 8वां अजूबा, सागर भैया और मही का झगड़ा। सागर भैया, आदब, मैडम का लोल कर ले। शट अप कन्हैया लाल। मही, आज के दिन भी तुम लोग झगड़ रहे हो? क्यों, आज क्या ऐसा खास है? लो, इन दोनों को तो याद ही नहीं है कि आज इनकी पहली मैरिज एनिवर्सरी। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था कि तुम दोनों आज झगड़ क्यों रहे हो? अरे मॉम, क्या बताऊं, सोनिया भाभी कल लंदन जा रही है, तो उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए हम लोग मॉल में गए थे। एक मिनट सागर जी, आगे मैं बताती हूँ। सासू माँ, हम लोग मॉल पहुँचे और पार्किंग में हमने हमारी गाड़ी पार्क की, और शॉपिंग करने के बाद जब हम वापस आए तो देखा कि चाबी तो साहब गाड़ी में ही भूल गए। ओहो, मैं मानता हूँ कि मैं कार की चाबी अंदर भूल गया था, नहीं कार की डुप्लीकेट चाबी तुम्हारे पर्स में थी। अपाल्स का दुकान में भूल गए? वो मैडम कार के डैशबोर्ड के अंदर रखकर भूल गई। हाँ तो ठीक है ना सागर जी, अब मैं अपना पर्स डैशबोर्ड में भूल गई, वो मैंने गलती मानी अपनी, लेकिन आपकी भी तो गलती है ना, आप चाबी गाड़ी में भूल गए, और आपकी गलती मेरी गलती से ज्यादा बड़ी है, ज्यादा। बराबर ना सासू माँ? देखो मही, तुम प्लीज बहस मत करो, तुम चीजों का ध्यान नहीं रखती हो इसलिए भूलती हो, और उसी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। अब आज की बात लो, तुम चाय में शक्कर डालना भूल गई, मोबाइल चार्जर में लगा के स्विच ऑन करना भूल गई, और मैंने इसे टॉवल मांगा टॉवल देना तक भूल गई। बस हो गया सागर जी, अभी मैं बोलूं? आपकी गलतियां तो बताइए, आप क्या भूलते वो भी बताओ। अरे नहाने गए तो टॉवल ले जाना भूल गए, और नहाकर जब वापस आए तो शावर बंद करना भूल गए, और चार्जर तो दे दिया लेकिन मोबाइल देना भूल गए। बोलो ना अभी। हाँ हाँ ठीक है, प्लीज झगड़ा मत करो, मॉम सही कहती, तुम एक नंबर की झगड़ालू। झगड़ा लो तो मैं ही हूँ ना, आपकी मम्मी जी तो मदर टेरेसा है ना। देखो तुम मॉम के बारे में उल्टा सीधा मत। अच्छा, और आप मुझे उल्टा सीधा कुछ बोलोगे वो चलेगा नहीं? मैं इनको हैप्पी एनिवर्सरी विश करने का मौका ढूंढ रही थी, पर ये दोनों तो चलो कोई बात नहीं, क्यों ना आज का दिन थोड़ा चटपटा बनाया जाए। यार तुमसे बात करना ही बेकार है, तुम सीधी बात का भी उल्टा ही मतलब निकालती हो। हाँ हाँ सागर जी, मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी, नहीं करनी मुझे आपसे बात। अरे पर सागर भैया, सोनिया का गिफ्ट? भाभी वो भी वो कार में भूल के आ गई। हाँ? अच्छा, और उसके लिए दोषी तो वो तुझे ही ठहराएगी। सागर ये चुनक मिजाजी है, उसी की वजह से उसके साथ रोज मेरा झगड़ा होता रहता है, और उसकी सबसे बुरी आदत यही है कि वो अपनी गलती तो कभी मानेगी नहीं। मौ, आप सही कह रहे हैं, इस बार गलती मही की है और मनाना भी उसे ही पड़ेगा। आज मेरा इतना इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, मौ मुझे मेरे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट। मैं भी बात नहीं करूंगी उनसे, पढ़े मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं भी क्यों करूं गलती उनकी, मैं गलती क्यों माफ करूं? मही, उदास मत हो, देख सागर ने जो कुछ भी किया वो सही नहीं है, अरे पत्नी होने का ये मतलब तो नहीं होता है ना कि पति जो कुछ भी कहे वो सही हो जाए। थैंक यू सासू माँ। मही, तो थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? सागर भले ही मेरा बेटा हो, पर अगर उसने गलती की है तो उसको सजा मिलेगी ही, और मही एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है ना? पर लेकिन मॉम, सोनिया मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। आपको पता है सोनिया क्या कहना चाहती है? हाँ, तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम भी एक औरत हो और तुम मही का दर्द समझ सकती हो। नहीं नहीं मही, सागर की है ना ये बचपन की आदत, वो हमेशा गलती करता है और इल्जाम हमेशा दूसरों पर डालता है, कभी अपनी गलती तो मानेगा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो आप सासू माँ, और इस बार तो गलती सागर जी की है, इसलिए मनाना भी उन्हें ही पड़ेगा।
मैं नहीं जाऊंगी उन्हें मनाने। सोनिया, बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मॉम, पहले तो आप सोनिया को ये बताइए कि सागर भैया और मही के झगड़े को मिटाने के बजाय अब उसे बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मीठा खाने का मजा तीखा खाने के बाद ही आता है। इसमें खाने की बात कहाँ से आई मॉम? आज कौन सा दिन है? आज 24 फरवरी, याद है? 24 फरवरी को पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल याद नहीं है, सॉरी। आज ही के दिन पिछले साल मेरा बेटा सागर जोरू का गुलाम बना था। मतलब आज सागर भैया और मही की मैरिज एनिवर्सरी है। वाओ, करेक्ट। पर पिछले साल शादी हुई थी। सॉरी मॉम, सोनिया तो भूल गई। सोनिया, सिर्फ तुम ही नहीं, मही और सागर खुद भूल गए कि आज उनकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है। हाँ, ओके, अब समझ में आया। मस्त प्लान है मॉम, मस्त। देखना सोनिया, जैसे ही मही और सागर को याद आएगा ना कि आज उनकी एनिवर्सरी है, दोनों भागते हुए आएंगे एक दूसरे को मनाने। सागर जी ने मुझे भुलक्कड़ कहा, बड़े आए मुझसे बात, मैं भी बात नहीं करूंगी। नहीं, तुम गुस्से में लाल क्यों हो रही हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए लाल गुलाब लाया हूँ, और वैसे भी तुमसे बातें किए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझसे बात किए बिना या फिर मुझसे झगड़ा किए बिना? मही, आई एम सॉरी। मैंने तुमसे झगड़ा किया उसके लिए सॉरी, मैंने तुम्हें भुलक्कड़ कहा उसके लिए भी सॉरी। अब तो लो। नहीं सागर जी, और मुझे झगड़ालू का उसका क्या? हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। मही, उसके लिए भी सॉरी। देखा, भूल खुद जाते हो और मुझे भुलक्कड़ कहते हो। ओके बाबा, तुम जीती और मैं हारा। अब तो लो। नहीं नहीं सागर जी, बात हार या जीत की नहीं है, बात ये है कि हम दोनों में से ज्यादा भुलक्कड़ कौन है। मैं हूँ, मैंने कहा ना, मैं भुलक्कड़। ओके चलो, अच्छा है आपने मान तो लिया कि आप भुलक्कड़ हो। पहले से मान जाते तो इतना बड़ा झगड़ा नहीं होता ना सागर जी। सागर जी, मैं ना आपको मिस्टर भुलक्कड़ बुलाऊंगी, चलेगा ना? ओके मैडम, इस जोरू के गुलाम को अपना नया नाम स्वीकार है। अब तो लो। अच्छा सागर जी, अगर मैं आपको मिस्टर भुलक्कड़ कहूंगी फिर आप मुझे क्या कहोगे? बेवकूफ भुलक्कड़। सागर जी, आपने मुझे भुलक्कड़ कहा? सिर्फ भुलक्कड़ ने बेवकूफ भी कहा। लेकिन क्यों? क्यों? इसलिए। क्या है ये? इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? सॉरी सॉरी मही, ये तुम्हारे सपने देखने और तुम्हारे भूलने की आदत से ना मैं परेशान हो गया हूँ। देखिए सागर जी, ये जो भी हुआ, ये गलती मुझसे हुई, मैं मानती हूँ, सॉरी। लेकिन सागर जी, सुबह सुबह जो भी हुआ ना, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आप चाबी गाड़ी में भूल गए, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं थी बस। हाँ, पर्स तो मैं कार में भूल गया था ना, जिसके अंदर डुप्लीकेट चाबी थी। हाँ? अब हाँ हाँ सागर जी, मैं मानती हूँ कि मैं पर्स भूल गई, लेकिन चाबी तो आप भूल गए ना गाड़ी में, इसलिए सारी गलती आपकी है बस। और सोनिया भाभी का गिफ्ट बेचारी अब तक ढूंढ रही है, और हमें पता भी नहीं कि वो कार में कि तुमने मॉल में ही छोड़ दिया। Excuse me, सागर जी, मैं नहीं भूल आया, आपने बोला था कि तुम जाओ मही, मैं गिफ्ट लेकर आता हूँ, इसलिए आप भूल गए, तो गलती आपकी है। मही, तुम सिर्फ बहस कर सकती हो, बहस करने में तुम नंबर वन हो। तुम जो मेरा दिमाग खाती हो उसके बदले बादाम क्यों नहीं खाती हो? उससे थोड़ी तुम्हारी याददाश्त बढ़ जाएगी और मेरी मुसीबत कम हो जाएगी। मुसीबत? सागर जी, मैं आपके लिए मुसीबत हूँ क्या? Very bad. हाँ, मुसीबत ही तो हो। ये शर्ट मैं आज इंटरव्यू में पहनने वाला था और तुमने इसे जला दिया। एक मिनट सागर जी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने जानबूझ के आपकी शर्ट जलाई हो। Very bad. तुम जानबूझ कर ना सिर्फ मेरा खून जला सकती हो। मैं तुम्हें समझाई क्यों रहा हूँ? तुमसे बात करना ही बेकार है। गुस्सा दिखाने के लिए बाहर चले गए? मैं भी बाहर जाऊंगी। कन्हैया लाल, मैं अपने फ्रेंड गोपी के घर जा रही हूँ, ओके? और रात को वहीं रुकूंगी। मही भाभी, कन्हैया लाल,
मही और सागर को जल्दी बुलाओ। एक मिनट, बाहर कहाँ जा रहे हो? आपने बोला ना मही भाभी और सागर भैया को बुलाओ, तो अभी अभी दोनों बाहर गए, अभी फिर थे दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों कहीं चले गए। कहाँ गए? वो थागल भैया वो तू थवल दवा पूछते ना इंटरव्यू। हाँ वो देने दे। और मही भाभी डोपी के घर पे गई और बोलते गए कि रात को नहीं वापस आएगी, डोपी के घर पे ही लूटे दी। अब क्या होगा मॉम? मतलब तू कहना क्या चाहती है गोपी, कि जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती मेरी थी? हाँ? अरे नहीं बाबा, गलती ना तो तेरी थी ना ही सागर जीजू की, और इत्तेफाक से तुम दोनों गाड़ी की चाबी कार में ही भूल गए। नहीं नहीं गोपी, जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि चाबी के बहाने सागर जी के मन में जो भी बातें थी ना आज सारी वो बाहर निकल आई। अरे महीन ऐसा नहीं है। क्या कुछ नहीं है गोपी, गोपी पता है गोपी सागर जी ने मुझे झगड़ालू कहा, झगड़ालू। तुझे पता है मही तू कितनी बड़ी बेवकूफ है, गधी है, दिमाग नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तू। हाँ हाँ गोपी, तो तू कौन सी बड़ी होशियार है, अरे तू तो मुझसे ज़्यादा बेवकूफ, अनपढ़ और गवार है। अब हंस क्या रही है तू? अरे तुझे समझाने का बस एक ही तरीका था। क्या मतलब? मतलब ये कि इंसान गुस्से में जो कुछ भी बोलता है ना वो हमेशा सच नहीं होता। जैसे अभी मैंने तुझे गुस्सा दिलाया ना और तूने मुझे कैसा कहा, क्या वो सच था? इसका मतलब सागर जीजू ने तुझे गुस्से में जो कुछ भी कहा ना वो भी सच नहीं। क्या करूं गोपी? अब तू फोन कर। सच? सच में ही फोन करना, अभी क्या अम्बे माता की परमिशन लेंगी? अच्छा अम्बे माता। अरे बाबा फोन कर। सॉरी सर। हाय हाय हो सकता है ना कि उन्होंने गलती से काट दिया, अब फिर से करना। If it's important, you can take it. No, it's okay, sir. मेरे लिए इस समय सिर्फ इम्पोर्टेंस ही इंटरव्यू। मिस्टर सागर, मैंने आपके सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंसेस देखे, अच्छे हैं। एक अच्छे कॉपीराइटर होने के लिए अच्छी क्वालिटीज क्या है? हाय राम, गोपी फिर से कट कर दिया। क्या सारी गलती मेरी थी बता दूं, फिर से कट कर दिया फोन। सॉरी सर, I feel सरलता, I mean simplicity. मेरे हिसाब से एक कॉपीराइटर का बेसिक काम है अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को समझाना, और वो समझाने का तरीका इतना सरल और सिंपल होना चाहिए जिसे हर तरह का कंज्यूमर समझ सके। क्या आप मुझे कोई डेमो दे सकते हैं मिस्टर सागर? पेड़ से आम तोड़ना हो तो ये पेन किसी काम का नहीं, अगर जमीन पे गड्ढा खोदना हो तो ये पेन किसी काम का नहीं, लेकिन कागज पर अपनी छाप छोड़ना हो तो इस पेन के समान दूसरा कोई नहीं। गुड, एक्सेलेंट। सर आपके कहने का मतलब है जॉब मुझे मिल गई है? एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई एम डन, लेकिन हमारे बॉस आपका नेक्स्ट इंटरव्यू लेंगे। ओके। ये चापली भी ना गुस्से में फोन ही नहीं उठा रही है। और मॉम, सोनिया ने भी 4-5 बार सागर भैया को फोन किया मगर वो हर दूसरी रिंग में फोन काट देते हैं। शाम के 6 बज चुके ना ही सागर आया है ना ही मही। मैडम, मही भाभी तो बोल के गई है ना गोपी बहन के घर जा लियो, रात को नहीं आऊंगी। नहीं नहीं कन्हैया लाल, हमें सागर और मही को किसी भी तरह से वापस बुलाना ही पड़ेगा, आज उनकी एनिवर्सरी है ना। लेकिन मॉम ये होगा कैसे? ये तो मैं भी सोच रही हूँ। मॉम, सोनिया को कभी कुछ छूट सकता है क्या? चुप करने का लाल, सोचो कुछ। मिल गया आइडिया। क्या मॉम? तुम्हें है ना तुम्हारी एक्टिंग का कमाल आज दिखाना है। एक्टिंग? वाओ मॉम, क्या करना है बताओ। कन्हैया लाल, हाँ कन्हैया लाल, जल्दी से जाकर 3-4 रुमाल लेकर आओ। 3 या 4 रुमाल लेकर आओ ना। ये मेरा प्राइवेट नंबर है। प्राइवेट मॉम,
प्राइवेट का मतलब है कि जब हम इस नंबर पे से किसी को फोन करते हैं तो सामने वाले के पास हमारा नंबर नहीं जाएगा। ओके 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 ठीक है। हाँ तो अब तुम इस नंबर पे से वो मही की फ्रेंड है ना चंपा, चंपा वो पतली आवाज वाली, हाँ। उसकी आवाज निकालना और मही को फोन करना और उसे हैप्पी एनिवर्सरी विश करना। तब मही को याद तो आ जाएगा कि आज उसकी एनिवर्सरी है। हाँ, ओके, ओके। और उसे कहना कि तुम यहाँ मिलने आने वाली हो। ओके। और उसके बाद सागर को फोन करना और उसका फ्रेंड है ना मिस्टर योगी लंबा, वो लंबा वाला, हाँ मिस्टर योगी, हाँ उसकी आवाज भी निकालना। हाँ। और सेम उसी तरह से उसको भी याद दिलाना कि आज उसकी एनिवर्सरी है और तुम उसे मिलने आ रही। ओके 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 मॉम, क्या बात है, आज सोनिया दो दोबारा एक्टिंग करेगी। फोन लगाना बाकी, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, मैं घर जा रही हूँ। अरे पर हेलो, कौन? हेलो मैं चंपा बोल रही हूँ, वेरा खड़ी वाली। अरे वेरा खड़ी वाली कौन सी फ्रेंड चंपा? तू तो हम लोग को भूल ही गई, पर मुझे सब याद है। अरे आज ही के दिन तो तू भागी थी सागर जी के साथ। दिन में सागर जी के साथ भागी थी? अरे हाँ, आज तेरी मैरिज एनिवर्सरी है। क्या? इसीलिए तो मैं तुझे विश करने के लिए अहमदाबाद आ रही हूँ। हेलो, हेलो चंपा, चंपड़ी, ए चंपड़ी, अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हाय, वैसे कैसे भूल सकती हूँ, आज तो मेरी फर्स्ट वाली मैरिज एनिवर्सरी है गोपी। क्या कर रही मैं? हेलो, हाँ सागर, मैं योगी बोल रहा हूँ। योगी? अरे योगी तेरा दोस्त, तू सब कुछ भूल सकता है पर मैं नहीं, मुझे सब कुछ याद है। अरे आज तेरी मैरिज एनिवर्सरी है और इसीलिए मैं शाम को तेरे घर पर विश करने आ रहा हूँ तुझे। ओके, तो फिर चल रात को मिल। बस ना नाटक करती है मस्त ना, अब माल हो गया, अब काम बन गया। अब देख दोनों कैसे राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से घर पे आते हैं। देखा ना आपने, आज मेरी पहली मैरिज एनिवर्सरी है और आज के ही दिन मैंने अनजाने में अपनी बीवी से झगड़ा कर दिया। देखिए मुझसे ये गलती हो गई, लेकिन आप लोग ये गलती कभी मत। सागर जी, कार्ड देखे तो वही माने जाएंगे। सागर जी तो यहाँ पर भी नहीं है। मही, मही, सागर जी, सागर जी तो यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ चले गए? अरे आप घर के सब लोग गए कहाँ? मही, मही यहाँ भी नहीं है, कन्हैया लाल भी किचन में नहीं है। नहीं मही, आई एम सॉरी। नहीं नहीं सागर जी, गलती मेरी थी इसलिए आई एम सॉरी। गलती हम दोनों की है क्योंकि आज पहली बार हम दोनों इस तरह से झगड़े हैं। और पता है सागर जी, हम लड़े भी तो किस दिन? पता भी है और इस दिन की खुशी भी है, लेकिन बस भूल गया। भूल तो हम दोनों गए ना सागर जी। पता नहीं आज सुबह से न जाने हम लोग कितनी बातें भूल गए ना। सागर जी आज तो जैसे भूलने का दिन था, पर वो तो अच्छा है चंपा का फोन आ गया तब जाके। अच्छा तुम्हें चंपा का फोन आया था, मुझे मिस्टर योगी का फोन आया था तब याद आया। मुझे भी तब ही याद आया। हैप्पी एनिवर्सरी। हे हे हे,
दोनों इतना बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो, लेकिन जो बात एक दूसरे से कहनी चाहिए वो तब तक नहीं कही। हाँ जल्दी से विश करो एक दूसरे को। बहन, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू, आपको भी। थैंक यू। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू। और ये है तुम्हारी फर्स्ट एनिवर्सरी गिफ्ट। थैंक यू मॉम। वाओ, 3 days 2 nights at Mount Abu। देखा सागर जी, सासू माँ को हमारी मैरिज एनिवर्सरी याद थी लेकिन हमें याद नहीं थी। हाँ तो मुझे क्यों नहीं याद रहेगी, यही तो दिन था जब तू मेरे घर में आई थी पहली बार मुझसे टक्कर लेने। और ये तो मुझे कोई नींद में भी पूछेगा ना तो भी मुझे बराबर याद है। मॉम, आपको सोनिया की मैरिज एनिवर्सरी याद है? अगले हफ्ते। इसीलिए तो मैं जा रही हूँ रोहित को मिलने। भाभी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अभी क्यों, सब भूल गए तो?